आज अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी हम लोग जो अभी रिसेंटली एक डायरेक्टर से एक ऑर्डर कॉफ़ी फास्ट हुआ था 22 को, उसको जो है हम लोग जो है बेस बनाते हुए कि हम लोग अपना एक मेमोरेंडम सबमिट करने आया है रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने ये कहा है कि हम किसी अपूज या फिर एफिशी के अंदर में हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर काम करना भी है, गवर्नमेंट जो है रेजुलेशन पास भी करता है तो अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी को बुलाना चाहिए। और हम जितने जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो लोग आज के डेट में काम कर रहा है, हमारा मकसद यही है कि हमारा जो काम है ना, इसको दूसरा जो है एजेंसी जो है हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज वगैरह को वो तय नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्राउंड में हम लोग काम करता है, कितना तकलीफ होता है हम लोग खुद को जानता है। जो पेपर में लिखने वाला तो हमारे लिए तो इतना अच्छा पॉलिसीज तो नहीं बना सकता है ना, जो पेपर में लिखना है आप पेपर में लिखिए ना। हम लोग जो है जो डिजिटल जो लोग आज के डेट में जो लोग इलेक्ट्रॉनिक में जो लोग काम कर रहा है, हमारा यही सीधा सा मकसद ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी होगा या फिर जो अपना जो डिजिटल को लेकर के जितना पॉलिसी होगा उसको सरकार के साथ बैठ करके हम लोग तय करेगा। हम लोग सरकार के साथ राउंड टेबल बैठने के लिए तैयार है, ना कि हम लोग इतना मेहनत करता है। दूसरा जो है एपीसी अपूज कौन होता है जो हमारा पॉलिसीज को जो है वो तय करेगा, तो इसको हम लोग बिल्कुल मतलब निंदा करता है, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए अभी हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग अभी डायरेक्टर को देने जा रहा है, क्योंकि कारण ये है कि उस कागज में डायरेक्टर ने साइन किया था, तो आज हम लोग डायरेक्टर को अपना मेमोरेंडम सबमिट करेगा कि हम लोग उसको नहीं मानता है। और यदि ये होता भी है तो सरकार हम लोग का साथ भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया को आप लोग जो है अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकता है। जैसे कि एपीसी हो गया, अपूज हो गया, वो अपना काम कर रहा होगा, करने दीजिए। हम लोग जो डिजिटल वाला जो है हमारा जो अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी है जो हम लोग काम कर रहा है हम लोग करेगा, लेकिन जब सरकार का बात आता है तो सरकार सबको देखना चाहिए, ना कि एक दो यूनियन को या फिर एक दो क्लब को आप सिर्फ करके हमारा वो काम को जो है आप उसको डिवाइड नहीं कर सकता है, सेपरेट नहीं कर सकता है। और हमारा पॉलिसीज को दूसरा कोई एजेंसी तय नहीं कर सकता है, हम लोग कितना दिक्कत होता है हम लोग को पता है। तो आज इसको लेकर के हम लोग जो है डायरेक्टर के पास आया हुआ है, हम लोग अपना मेमोरेंडम अभी सबमिट करेगा और ये जो है मिनिस्टर सेक्रेटरी को हम लोग दे रहा है, डायरेक्टर को दे रहा है। आप लोग इसको फिर से सोचना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कल को हम लोग भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग भी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो अभी ऑर्डर जो अभी रिसेंटली पास हुआ है इसके ऊपर में सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन अभी डायरेक्टर को हम लोग मिलकर देखिएगा डायरेक्टर क्या बोलता है। माय नेम इज जेटी तागम एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन एडमा। So today, along with my executive members and with the team of Arunachal Pradesh Media Welfare Society led by its president Takam Sonia, we have come to Department of IPR to meet the director of department to submit a memorandum to express our resentment over an order which was issued on 22nd of this month, where two organizations, namely Arunachal Press Club and Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, have been endorsed for all media coordination related to state government activities and other media related activities and policies. So, इस order को लेकर हमने अपना resentment director को place किया है, where we feel like somewhere or other, EDMA, which is an association of management and owners of digital media houses, has been ignored or sidelined. क्योंकि especially हमारा जो EDMA का role होता है वो advertising policy और empanelment को लेकर होता है, जबकि इस ऑर्डर में कहीं भी एडमा का नाम मेंशन किया नहीं गया है। इसलिए हमने यहाँ पे अपना जो रिसेंटमेंट को डायरेक्टर के सामने में प्लेस किया, एंड ही इज़ ऑल्सो एश्योर्ड बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस है वो हायर अथॉरिटी से आया गया है, सो दे आर टेकिंग आर ग्रीवेंसेस टू द राइट अथॉरिटी। साथ ही साथ हम इस ऑर्डर में ये मेमोरेंडम में ये मांग कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर को कम्प्लीटली रिकॉल करना है, और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर को ही द सोल अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट विद मीडिया करना चाहिए। और हमारा इसमें कंसर्न ये है कि सबसे पहले इसमें एडमा को एक्सक्लूड किया गया है फॉर मीडिया कोऑर्डिनेशन, और सेकेंडली इसमें इंडिपेंडेंट जो मीडिया पर्सनस है इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। आज देखिए, आई नो एपीसी एंड अपूज इज अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट दे डोंट रिप्रेजेंट एंटायर मीडिया पर्सन ऑफ अरुणाचल, बिकॉज आज एपीसी में कुछ मेंबर्स है, अपूज में कुछ मेंबर्स है, एडमा में कुछ मेंबर्स है, APMSWS में कुछ मेंबर्स है। सो कल को सरकार कुछ लिस्ट मांगता है, दे विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड आर लिस्ट। सो कहीं ना कहीं जो हमारे मेंबर्स है वो साइडलाइन और डिप्राइव होंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि ये ऑर्डर जो है बहुत गलत वे में जारी किया गया है। हाँ, दिस ऑर्डर वॉज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ए मीटिंग दैट वॉज हेल्ड बिटवीन CMO एंड APC एंड अपूज ऑन 6th ऑफ अगस्त, लेकिन उस मीटिंग में भी तो हम लोग को नहीं बुलाया गया ना।
जब एक आप इतना बड़ा ऑर्डर निकाल रहा है, इतना बड़ा पॉलिसी में कुछ चेंजेस ला रहा है, यू हैव टू कंसल्ट एवरी स्टेक होल्डर्स फॉर पार्ट ऑफ मीडिया। बट ये ऑर्डर को जारी करने से पहले कहीं भी एदमा को कंसल्ट नहीं किया है, ये सोसाइटी के मेंबर्स को कंसल्ट नहीं किया गया। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये ऑर्डर जो है हरी भरी में निकाला गया है और गलत तरीके से निकाला गया है, और हमारा यही मांग है कि ये ऑर्डर को रिकॉल करें और डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर को ही सोल अथॉरिटी बनाए टू कोऑर्डिनेट विद मीडिया एक्टिविटीज। थैंक यू। मेरा नाम तकम सोंजा है और मैं अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और अरुणाचल प्रदेश में पहली बार ऐसे होगा कि हम लोग खुद दूसरा का खबर लेता था, आज हम लोग खुद अपना ही मीडिया चैनल में और दूसरों के मीडिया चैनल में खुद अपना खबर को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टर या आईपीआर में हम लोग खड़े हैं। रीज़न ये था कि अभी 22 को एक रिसेंटली एक ऑर्डर जारी किया गया था जो आईपीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की तरफ से हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि मतलब जितना भी जो मीडिया रिलेटेड जितना भी जो पॉलिसीज है उसको लेकर के अपूज और एपीसी जो है कोऑर्डिनेट करेगा। और इसको लेकर के मैंने कवर भी बनाया है, लाइव भी आया था आप सभी के समक्ष। कारण ये था, यदि अरुणाचल प्रदेश में एपीसी और अपूज ही काम करेगा तो ये आईपीआर डिपार्टमेंट का क्या काम है, इसको लेकर के हमने सवाल उठाया था। और हमारा ये है कि अभी जो रिसेंटली जो ऑर्डर जारी हुआ है इसको सरकार जो है रिवोक करना है, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम इस ऑर्डर कॉपी को हम लोग नहीं मानते हैं। हम अगर मानेगा तो हम लोग पेरेंटल बॉडी एज ए पेरेंटल बॉडी हम लोग आईपीआर डिपार्टमेंट को ही मानेगा। आईपीआर को इसीलिए क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिप्रो होता है जो आईपीआर के थ्रू होता है। अगर कोई अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेगा, अमित शाह, राजनाथ विजिट करेगा, प्रेसिडेंट विजिट करेगा, तो इसको जो है अपूज और एपीसी कैसे बोल सकता है कि ओ लोग मेंबर को जो है किसी मीडिया को कवर करने के लिए ओ लोग लिस्ट जारी करेगा। हालांकि आपको बता दो अभी अरुणाचल प्रदेश में चार जो है मीडिया अलग अलग ग्रुप है, एपीसी अलग है मतलब अरुणाचल प्रेस क्लब, और अपूज अलग है, एदमा अलग है, और हमारा जो है अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी अलग है। तो इसको जो है कोऑर्डिनेट करने का काम को जो है आईपीआर को करना चाहिए। हमारा ये सिंगल एजेंडा है कि आईपीआर को करना चाहिए, क्योंकि आईपीआर डिपार्टमेंट इसीलिए होता है ना वो मीडिया जितना भी मीडिया उसको कोऑर्डिनेट कर सके। तो हम अपूज और एपीसी के कोऑर्डिनेट को हम लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर कॉपी को अभी वापस लेना चाहिए। और अभी हम लोग यहाँ पर आया है, लेकिन डायरेक्टर का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, उन्होंने कहा है कि हमारा जो ग्रीवेंसेस को लेकर के हायर अथॉरिटी में फ्लैश करेंगे। हालांकि अभी जो है आईपीआर मिनिस्टर के साथ में डायरेक्टर आईपीआर का मीटिंग है ऐसे भी बता रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मिनिस्टर आईपीआर जो है इस सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न इसको लेकर के जो है आगे जो है अच्छा ऑर्डर कॉपी या फिर अच्छा रेजुलेशन जारी करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। यदि ये जो इसको अगर सरकार जो है रोल बैक नहीं करता, इसको वापस नहीं लेता है, तो 16 नवंबर को हम लोग जो है नेशनल प्रेस डे को हम लोग ब्लैक डे के तौर पर हम लोग मना रहा है, क्योंकि हमारा जो है अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी जिसमें 50 जो है हम लोग का मीडिया हाउसेस है, उसके बाद 100+ जो है फील्ड रिपोर्टर है, हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट से आ करके हम लोग एपीसी में हम लोग धरना करेंगे, हम लोग जो है ब्लैक डे मनाएगा, दूसरा जो है आईपीआर डिपार्टमेंट में हम लोग ब्लैक डे मनाएगा, क्योंकि हमारा यही मानना है, सिंगल मानना है कि आईपीआर रिलेटेड मीडिया रिलेटेड जो भी काम को जो है आईपीआर को देखना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा ये है कि यदि अगर आने वाला समय में एपीसी और अपूज ये सब कुछ तय करेगा तो हम लोग कहा जाएगा, जो एपीसी और अपूज में जो मेंबर नहीं है उसका क्या होगा, ये तो सवाल है, इसको आपको समझना होगा। इसीलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो इंडिपेंडेंट को जो है कटल करने का काम किया जा रहा है, हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको बिल्कुल निंदा करते हैं, और सरकार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस विषय में फिर से सोचना चाहिए। यदि इसको रोल बैक करने के बाद में हम सभी स्टेक होल्डर को बुलाकर मीटिंग होता है तो उसमें हम लोग अपना अपना राय को हम लोग प्लेस करेगा, और गवर्नमेंट को ये भी राइट है कि हमारा जो है मांग है, हमारा जो है विचार है, उसको गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ने कैसे मतलब 5-6 लोगों को बुलाकर जो है पूरा मीडिया पैटर्न नीति का जो है पॉलिसीज को कैसे मतलब 2 लोगों को दे सकता है, ये हमारा सवाल है। यदि अपूज और एपीसी सब कुछ करेगा तो आईपीआर का क्या काम है, तब तो आईपीआर डिपार्टमेंट को ही हटा दीजिए ना। आप जो है आईपीआर को जो जितना भी मीडिया को कोऑर्डिनेट करने के लिए जब अपूज और एपीसी को आप दे रहा है तो आईपीआर का रोल यहां पर दिखाई नहीं देता है, तो आप क्यों मतलब उसको आउटसोर्स कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको नहीं मानता है, इसको लेकर के अभी हम सीएमओ ऑफिस में पीआरओ को भी हम लोग मिलने जाएंगे, और हम लोग आने वाला समय में मिनिस्टर को भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अपना तरफ से मेमोरेंडम उनको भी सबमिट करना है। बस इसको जो है रोल बैक करना है, जिसको लेकर के हमसे भी जो मीडिया पैटर्न रहती है, लकीली अनलकीली आज अच्छा हुआ है कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे थे तो एदमा के मेंबर भी यहाँ पर मिला, और हम लोगों का यहाँ पर देखा गया कि जो हम लोग का पॉइंट है वो
मैक्सिमम सेम है। और रहा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को जो है एडमा खुद जानता है ना कि कैसे हमारे लिए डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाता है उसका एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या होना चाहिए, हम लोग को पता है ना। और हमारा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को हम लोग काम करता है, दूसरा लोग तय करने वाला कौन होता है, ये तो क्वेश्चन है ना। तो इसी को लेकर के हम लोग इसको आपत्ति जता रहा है और हम अपना रिप्रेजेंटेशन जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी देंगे और अभी हम लोग आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी त्वचा बातें करती है औज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।